गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है बिलाल और हम यहाँ पर टेक महिंद्रा फाउंडेशन में आरएसी का कोर्स कर रहे हैं और आज आप सबको हम बताएंगे क्लाइम मीटर के बारे में। क्लाइम मीटर में जो है आपको इसके बारे में बता देते हैं कि ये है नोज, ये है ट्रिगर स्विच और इस ये जो है डाटा होल्ड स्विच। इसके बाद ये है रोटेट बटन और ये है डिस्प्ले, जिसमें जो भी हम लोग इसमें चेक करेंगे रोटेट करके फिक्स करके करेंगे इसमें शो करेगा। और ये है वोल्टेज इनपुट, ये कॉमन है। और ये है एक्सटर्नल इनपुट, इससे जो भी हम लोग से चेक करना रहेगा। और दूसरा है अपने पास लीड वायर में एक इसे प्लग कहते हैं, ये है प्लग और ये है प्रॉप, इसे प्रॉप कहते हैं। और यहाँ पर सेट करेंगे आज हम एसी। यहाँ पर सबसे पहले में देखा जाए तो यहाँ पर जब एसीबी पे आएंगे, एसीबी में 750 है, इससे हम लोग चेक करते हैं करंट कितना यहाँ पर है। वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करने के लिए पहले इसको फिक्स कर देंगे वोल्टेज में, ये इनपुट कर देंगे इसमें और कॉमन में इनपुट कर देंगे इस तरह से। और वोल्टेज चेक करने के लिए आपको आज दिखाते हैं इसमें कितना फ्लो हो रहा है। तो एसीबी पे इसमें सेट कर चुके हैं इसे और यहाँ पर देख सकते हैं आप 241 या 239 आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ इसका पता चल रहा है कि इसमें एसी वोल्टेज जो है हम लोग का ये यूज टोरेंट पावर से ये मिल रहा है, जो अपने को 240 के लगभग मिल रहा है। अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे तो डीसीबी लिखा है, डीसीबी में चेक किया जाएगा डीसी वोल्टेज जो बैटरी वगैरह से अपने को प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके नीचे है बजर किट, जिससे कंटिन्यूटी और ओम का रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। दूसरा अब हम लोग चेक करेंगे जो फ्लो होता है, उसी एसी है अपने पास, एसी का करंट जो है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कितने एम्पेयर में, वो एम्पेयर में सेट करके भी हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एम्पेयर में। तो एसी ये नहीं बस कर रहा है।